अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास फोर सब्जेक्ट हमारा साइंस और इसका टॉपिक है हमारा द ह्यूमन बॉडी। फर्स्ट टॉपिक है हमारा इस यूनिट का और बुक पेज नंबर है 5 और 6। कल हमने बुक पेज नंबर 5 से ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ा था और उसके नीचे जो एक्टिविटी टाइम था हमारा बुक पेज नंबर 5 से वो रह गया था। आज पहले हम वो करेंगे और उसमें ये है मेमोरी टेस्ट। हमने मेमोरी टेस्ट करना है आपने अपने फ्रेंड का कि उसका मेमोरी जो है उसकी कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो उसके लिए आप अपनी बुक्स ओपन करें, बुक्स का पेज नंबर 5। यहाँ पर आप सामने देखें ये पेज नंबर 5 पर ये आपकी एक्टिविटी दी हुई है। ठीक है, मैं इसको रीड आउट करती हूँ। योर मेमोरी इज कंट्रोल्ड बाय योर ब्रेन, ट्राई दिस मेमोरी टेस्ट विद अ फ्रेंड। कि आपकी जो मेमोरी है उसको कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। आप ये अपने फ्रेंड के साथ मेमोरी टेस्ट करें। उसमें क्या करना है आपने, आस्क योर फ्रेंड टू कलेक्ट 12 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अपने फ्रेंड से बोलना है कि वो 12 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करें। क्लोज योर आईज एज योर फ्रेंड पुट्स द ऑब्जेक्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड कवर्स देम विद अ क्लॉथ। आपने अपनी आईज क्लोज करनी है और अपने फ्रेंड को बोलना है कि वो जो 12 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आपके सामने कपड़े के साथ उनको ढांप दे। ठीक है, लेकिन आपने अपनी आईज तक क्लोज ही रखनी है। ओपन योर आईज एंड आस्क योर फ्रेंड टू रिमूव द क्लॉथ फॉर 15 सेकेंड्स। जब वो फ्रेंड क्लॉथ के साथ उनको ऑब्जेक्ट्स को कवर कर ले तो उसके बाद आपने उसको कहना है कि 15 सेकंड्स के लिए सिर्फ वो क्या करे, उस क्लॉथ को रिमूव करे और आप जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको जल्दी जल्दी से देख लें। आफ्टर 15 सेकेंड्स द ऑब्जेक्ट्स मस्ट कवर्ड अगेन। और 15 सेकेंड्स के बाद आपका जो फ्रेंड है वो उन ऑब्जेक्ट्स को दोबारा कवर कर लेगा। ठीक है, उसने कवर कर लिया उन्हें उन ऑब्जेक्ट्स को, फिर आपने क्या करना है, राइट डाउन एज मैनी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एज यू कैन रिमेंबर। तो फिर आपने बताना है कि आपको कितने ऑब्जेक्ट्स के नेम याद रहे हैं। पहले उसने उनको कवर किया, फिर उसने उनको कपड़े को हटाया, आपने उन ऑब्जेक्ट्स को देखा तो आपके ब्रेन ने वो मेमोरी टेस्ट किया, ब्रेन ने उन चीज़ों को रिमेंबर कर लिया कि ये वाले ऑब्जेक्ट्स आपके फ्रेंड ने यहाँ पर सामने रखे थे। फिर आपने अपने फ्रेंड को उन सारे ऑब्जेक्ट्स के नेम बताने हैं कि तुमने ये वाला ऑब्जेक्ट रखा था सामने, ये रखा था, ये रखा था, और फिर देखना है आपने कि आप वाला कितने ऑब्जेक्ट्स के नेम उसको सही सही बताते हो। देन स्वैप एंड यू कलेक्ट न्यू ऑब्जेक्ट्स टू टेस्ट योर फ्रेंड्स मेमोरी। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने नए ऑब्जेक्ट्स लेने हैं दूसरे उसको बताने के बाद, और आपने फिर अपने फ्रेंड की मेमोरी का टेस्ट लेना है। तो ये बहुत मज़े की एक्टिविटी है, आपने इसको ज़रूर करना है। ठीक है, आप घर में अपने बहन भाइयों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, किसी के साथ भी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो इसको ज़रूर करें पेज नंबर 5 से। अब आगे पेज नंबर 6 ओपन करें और पेज नंबर 6 से हमने करना है व्हाट द हार्ट डज। हमारा हार्ट जो है वो क्या करता है, उसकी क्या जॉब है। तो आपको पता है हमारा हार्ट जो है वो एक मसल है, बॉडी का मसल है ये हमारी का, और इसका फंक्शन क्या होता है, इसने पूरी बॉडी को ब्लड पंप करना होता है। ठीक है, जब पूरी बॉडी को ब्लड पंप करेगा तो उसके जरिए से ऑक्सीजन जो होगी वो भी हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स के अंदर जाएगी। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन एक गैस है और इस गैस को ह्यूमंस इसलिए यूज करते हैं ब्रीथिंग करने के लिए। तो हमारा हार्ट क्या करता है, पूरी बॉडी को ऑक्सीजन जब वो ब्लड पंप करता है तो क्या होता है, कौन सा ब्लड हमारी बॉडी के अंदर जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो वो हमारे लंग्स के जरिए से फिर हमारे हार्ट में आता है और उसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी के अंदर जाता है। इसके बाद ये है कि हमारा जो हार्ट है उसका साइज हमारी मुट्ठी के जितना होता है। ठीक है, जितनी हमारे से मुट्ठी करे तो उसके साइज का हमारा हार्ट होगा। एवरेज वेट जो होता है वो किसी भी वुमेन के हार्ट का वो 225 ग्राम्स होता है, और जो मैन हैं उनके जो हार्ट का वेट है वो 285 ग्राम्स होता है। ठीक है, एवरेज वेट अगर हम करें किसी वुमेन के हार्ट का तो वो 225 ग्राम्स होगा, ठीक है, 8 पाउंड्स के करीब, और जो मैन होता है उसका 285 ग्राम्स तकरीबन 10 पाउंड्स के करीब होगा। ओके, मीन्स डैट के अगर हम कहें कि एक ऑरेंज हम ले तो जितना किसी ऑरेंज का साइज होता है उसमें उस ऑरेंज के साइज का हमारा हार्ट होता है। अब आगे ये है कि ह्यूमन हार्ट जो है वो बीट करता है। ठीक है, हर वक्त हम ये तो नहीं होता हम सोए हैं या हम कहीं अभी के अभी हम रेस्ट कर रहे हैं तो हमारा हार्ट भी रेस्ट करे, नो, हमारा हार्ट जो है वो हर वक्त बीट करता रहता है, धड़कता रहता है, ब्लड पूरी बॉडी में हर वक्त वो पास आउट
ह्यूमन हार्ट जो है वो 37 मिलियन टाइम्स जो है वो पूरे एक साल में बीट करता है। अगर हम अपने हार्ट की बीट को काउंट करें तो तकरीबन 37 मिलियन टाइम्स उसको लगते हैं पूरे एक साल में बीट करने में, और 3 मिलियन टाइम्स वो क्या करता है एक मंथ में बीट करता है। एक मंथ के अंदर वो 3 मिलियन टाइम और एक ईयर के अंदर वो 37 मिलियन टाइम क्या करता है बीट करता है हमारा हार्ट, और 700,000 टाइम्स एक वीक में, ठीक है 700,000 टाइम्स वो एक वीक के अंदर क्या करता है बीट करता है यानी कि धड़कता है। 100,000 टाइम्स पूरे एक दिन में, यानी कि अगर हम कहें कि अब सुबह से लेके नेक्स्ट मॉर्निंग तक 24 आवर्स में हम अपने हार्ट की बीट को अगर चेक करें कि वो कितनी बार बीट किया है तो वो कितना होगा 100,000 टाइम्स, और 4200 टाइम्स एन आर। अगर आप एक घंटे के लिए यानी कि आप अपने हार्ट के ऊपर ऐसे अपना हार्ट रखें ठीक है, उसकी जो बीट है उसको काउंट करें पूरा एक घंटा, आप उसको क्या करें टाइम भी देखें साथ उसको काउंट करके आप देखें तो आपको वाकई पता चलेगा कि 4200 टाइम्स क्या किया हमारे हार्ट ने एक घंटे के अंदर बीट किया है। 70 टाइम्स अ मिनट यानी कि एक मिनट के अंदर वो 70 टाइम्स बीट करता है तकरीबन, एंड जस्ट ओवर 1 बीट पर सेकेंड यानी कि हर एक सेकेंड में हमारा हार्ट तकरीबन एक सेकेंड में एक दफा बीट करता है, एक मिनट में 70 टाइम्स बीट करता है, एक घंटे में 4200 टाइम्स बीट करता है, एक दिन में 100,000 टाइम्स बीट करता है, एक वीक में 700,000 टाइम्स बीट करता है, फिर वीक के बाद मंथ में आए तो 3 मिलियन टाइम्स को बीट करता है, और अगर हम एक ईयर का हिसाब लगाएं तो उसमें 37 मिलियन टाइम्स वो बीट करता है, यानी कि हमारा हार्ट जो है वो इतने टाइम बीट करता रहता है, हर वक्त वो बीट करता रहता है। तो ये तो आज हमने अपने हार्ट के बारे में पढ़ा कि हमारे हार्ट का ये फंक्शन होता है, इसने पूरी बॉडी को ब्लड पंप करना होता है, इसके अलावा क्या है कि वो ऑक्सीजन जो है वो पूरी बॉडी के अंदर जाती है जो गैस है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं ब्रीथिंग के लिए। फिर इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि हमारा हार्ट एक ईयर में मंथ में सेकेंड में मिनट में आवर में डे में जितनी बार भी बीट करता है वो भी हमने इसको रीड आउट किया। तो आपने इसको अच्छी तरह से घर में लर्न करना है, ये जो आपको टाइमिंग बताई गई है कि इतने टाइम में वो इतने मिलियन टाइम जो है वो बीट करता है ये भी लर्न करना है। साथ ही साथ ये जो हमने एक्टिविटी आज की है बुक पेज नंबर 5 से मेमोरी टेस्ट वाली बहुत मजे की एक्टिविटी है, ये भी आपने ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने घर में अपने बहन भाइयों के साथ ज़रूर करनी है। तो कल इंशाल्लाह ताला आगे हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन हार्ट जो होता है उसकी डायग्राम ड्रा करेंगे और वो किस तरह से वर्कआउट करता है। थैंक यू।